वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल रोबस बाजार। आज हम बात करेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज़ स्टॉक के ऊपर। आईएफएल सिक्योरिटीज़ का नाम आपने सुना होगा, पैन इंडिया में इनकी प्रेजेंस है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर हम कंपैरिजन करें मोतीलाल ओसवाल एंजल ब्रोकिंग या दूसरे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ से, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है आपको। स्टॉक का जो पी है वो 7 है और सेक्टर पी है 20, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। यहाँ इस लेवल से स्टॉक एक अच्छे मूवमेंट पे आया है, स्टॉक में एक अच्छी ब्रेकआउट मिली है। स्टॉक में कहाँ हमें ब्रेकआउट मिली है मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक में हमें ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे 74 रुपीज़ से हमें एक स्टॉक ब्रेकआउट मिला है। स्टॉक ने एक अपना हाई बनाया आज की डेट में 74.99 के आसपास का, और स्टॉक जो कि क्लोज़ हुआ है 73 रुपीज़ 20 पैसे। तो मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छी बाइंग मोमेंटम संभव है यहाँ से। और स्टॉक की सबसे अच्छी खासियत ये कि स्टॉक का जो 52 वीक लो है वो है 65 रुपीज़ के आसपास, और हमें मिल रहा है 73 रुपीज़ 20 पैसे पे। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी बेहतर नज़र आता है। और स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो 119 रुपये है, तो मुझे लगता है स्टॉक में यहाँ से बाई करना चाहिए, करंट स्तरों से बाई करना चाहिए। कल का अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट खुलते साथ ही इसको 72-73 रुपीज़ के आसपास अगर स्टॉक दिखाई देता है आपको, तो बिल्कुल आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक बेहतर स्टॉक नज़र आ रहा है, स्टॉक में एक अपसाइड गेन बन सकती है यहाँ पे 76 रुपीज़ तक, और 76 रुपीज़ के बाद इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग मोमेंटम बनेगी। स्टॉक में अगर हम वन डे का चार्ट लगा लेते तो बिल्कुल वन डे के चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, या बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं एक डाउनसाइड पैटर्न बनने के बाद स्टॉक ने एक बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, और क्लियर ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। हमें इसके ऊपरी स्तर भी देखने मिल सकते हैं अप टू द टारगेट ऑफ 83। तो मुझे लगता है स्टॉक में यहाँ से बाय करना चाहिए, एक अच्छा चार्ट फॉर्मेशन बन गया है अब यहाँ पर, तो यहाँ से आप बाय करें ये एक आईएफएल सिक्योरिटीज़ में। और यहाँ से अगर आप कोई स्टॉप लॉस लेके भी चलना चाहते हैं फॉर द सेफर साइड, तो 67 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हालांकि 52 वीक लो उसका 65 रुपीज़ है, लेकिन फिर भी आप 67 रुपीज़ का अगर एक स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं सेफर साइड तो रख सकते हैं। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया था। थैंक यू सो मच।